asalaamu As alaikum students today i am here ms sadaf zara i will teach you social studies of grade 4 today we will read unit 3 our history lesson number 10 our past our history lesson 10 our past in this chapter we will discuss the history that there are many ancient sites all over the pakistan and uh, the most famous one is Mohenjo-Daro, Harappa, Teksela, Mehergarh, which is near uh, Balochistan, and Rehman Dari near Dera Ismail Khan at Kot Diji. And, and uh, all these sites tell us that a number of different people live here in the past. The main, uh, which is the Indus Valley Civilization. Historians tell us about uh, that there was an advanced civilization uh, which was around the plain of the river Indus in about 2600 before the common era. And uh, that is a long, long time ago. It is called the Indus Valley Civilization, and the people were really ahead for that time. And on Logoki, ki Banai fi they people use wheels, made pots. एंड अदर वेजल्स बर्तन इस्तेमाल करते थे अदर दैन दिस दे पीपल यूज़ द थिंग विच वॉज मेड अप ऑफ कॉपर एंड ऑल्सो दे पीपल यूज़ क्लोथ्स एंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन चीज़ है दैट इज़ दड़प्पा इन पंजाब एंड द मॉन्जो दड़ो इन द माउंट दैट इज़ द माउंट ऑफ डेड इन सिंध आर द टू मोस्ट फेमस साइट्स एंड हेयर यू कैन सी द रूम्स ऑफ द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी किसी को नहीं पता कि वो सिविलाइजेशन कहाँ से आई थी But, wo itni famous thi that today we can see in uh, Mohenjo-Dara, we can still see the remains of houses uh, like uh, temple, baths, granary, which is known as a trademark, and street with a proper drainage system. This was all the system of the Indus Valley Civilizations person. Come to the next page. Archaeologists have found pieces of pottery. ऑर्नामेंट्स uh, जो कि uh, ज्वलरी वगैरह होती है क्ले फिगर्स एंड सील्स सील्स कहते हैं आ सस्टाज यूज टू ज्वाइन टू पीसेस टुगेदर एट दिस साइड्स द सील्स हैव इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शन कहते हैं द वर्ड और लेटर दैट हैव समथिंग जो कि um, बना के या जैसे अभी हम टाइप करके कोई बना दिया जाता है लेकिन उस टाइम पर क्या बनाया जाता था किसी भी चीज़ के अंदर कोई अगर लेटर या कोई वर्ड फिक्स करना हो ठीक है दैट इज़ नॉन एज द इंस्क्रिप्शन या फिर उसमें कोई सिम्बल ऐड करना हो दैट इज़ नॉन एज द इंस्क्रिप्शन स्टिल ट्राइंग वर्किंग एंड व्हाट दिस मीन द पीपल ऑफ़ द सिविलाइजेशन ट्रेडेड विद नेबरिंग रीजन फ्रेगमेंट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ मेड हेयर हैव बिन फाउंड इन द एशियंट हिस्टोरिकल साइट ऑफ प्रजेंट डे इराक आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन

हॉर्सेस एंड चेरीट्स चेरीट्स क्या होता है जो कि टू व्हील्ड व्हीकल होता है ड्रॉन बाय द हॉर्सेस ये ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता था और उनकी जो लैंग्वेज थी दैट वाज अ सनसिक्रत एंड वो न्यू कल्चर भी अपने साथ लेके आए थे द आर्यन सेटल्ड इन इंडस वैली एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट The Aryans were basically a very strong, active, and lively race person. ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंट्रीज मैनी किंगडम्स वर केम किंगडम इज़ नॉन एज द कंट्री और अ स्टेट रूल बाई द किंग और क्वीन ग्रेट बेटल्स वर फॉर्म बड़ी बड़ी जंगें होती थी ठीक है सिटीज वर बिल्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाई इन्वेडर्स जो कि हमलावर होते हैं और फिर बनाई जाती थी सम लाइक जैसे मोहेंजो डर हरप्पा है वो तो वर फॉर गटन वट रीजनस कुड बी देयर फॉर द डिक्लाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन Come to the next page that is page number 73, the great empires. In this topic, we will study about the great empires one by one. Ke kis se new log aate Persians in the 5th century before the common era came the Persians who created a huge empire including the land which is now Pakistan. उनका जो कैपिटल था दैट वाज द टेक्सला एंड उन्होंने बहुत से न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया एंड दे आल्सो लर्न न्यू वेज फ्रॉम द आरियांस द पर्शियंस वर फॉलोड बाय द ग्रीक्स अंडर द अलेक्जेंडर हु डिफीटेड द पर्शियन एंड क्रॉसड इन द सब कॉन्टिनेंट थ्रू द खैबर पास द ग्रीक्स इंफ्लुएंस द आर्ट एंड स्कल्पचर इन घंधारा एंड टेक्सला दिस रीजन वॉज मेनली बुद्धिस्ट मॉरियंस आफ्टर द पर्शियंस मॉरन्स uh, आए थे एंड वो कहाँ से आए थे ईस्ट दे कैम फ्रॉम द ईस्ट एंड द मोस्ट फेमस मॉरियन रूलर वॉज अशोका अशोका जो था वो मौरस का मोस्ट फेमस रूलर था हु एक्सटेंडेड द मोरियन एम्पायर थ्रू वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट बट आफ्टर द बैटल ऑफ कैलिंगा इन विच मोर देन वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पीपल वर किल्ड तो अशोका ने उसके बाद उस डिस्ट्रक्शन से उसको दैट ही वॉज वेरी शॉक उसने फिर उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी ही बिकम अ बुद्धिस्ट एंड गेव अप वायलेंस और उसने तमाम जो तशद वगैरह होता था उससे उसको छुड़वा दिया था और उसने क्या क्या नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स फॉर हिज पीपल ठीक है बहुत ज़्यादा अपने लोगों में इस्लाम लेके आया था एंड ही गिव देम अ सिक्योर एंड कंफर्टेबल लाइफ उनको आसान जिंदगी गुजारने के लिए उनको रखा गया था ही हैड हिज रूल्स इंस्क्राइबड ऑन पिलर्स एंड रॉक फेस थ्रू आउट हिज वास्ट किंगडम देन क्वेश्चन गुप्ताज पार्थियंस एंड हर्म्स After Persians, Mauryans comes and after Mauryans, Kushans, Guptas, Parthians and Huns come. द क्वेश्चन केम द सेंट्रल एशिया क्वेश्चनस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे और उनका जो फेमस रूलर था दैट वॉज द कैनिश्का और एक और डेंसिटी दैट वॉज अ गुप्ताज जो कि हमने पढ़ी है उसका जो ग्रेट एम्पायर था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर था लाइक चंद्रा गुप्ता की तरह और जो पार्थियंस थे और हंस थे दे केम फ्राम द सब कॉन्टिनेंट फ्राम द नॉर्थ वेस्ट द हंस वॉर सेंट्रल एशिया देट मतलब वो एक अनकंट्रोल टाइप पर्सन्स थे जो दे क्रिएट अ लॉट ऑफ डिज़ास्टर्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ एशियन एम्पायर ऑन द सब कॉन्टिनेंट रूरल केम एंड वेंट एंड विद न्यू आइडियाज हुक्मरान आते गए एंड फिर जाते गए उसके बाद न्यू आते गए हर हुरान जो है अपने न्यू आइडिया न्यू कल्चर लेके आया विच वर वेरी स्लोली अडोप्टिड बाई द लोकल पीपल सो कम टू पेज नंबर सेवेंटी फोर Learning. So, in this topic, we will uh, I will tell you about the learning. During the early ages, especially in the 4th and 5th centuries, there were great advances made in maths, astronomy, astronomy art, and other subjects. एंड टेक्सला हैड अ बिग यूनिवर्सिटी अभी भी है जो कि यू के नाम से है द र्यूज ऑफ विच कैन बी सीन इवन टूडे मैनी पीपल कैम हेयर टू स्टडी और ये जो uh, यूनिवर्सिटी है ये बुद्धिज़म्स में बनाई थी और आज भी यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट के स्कॉलर्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं एंड Other than this, learning advanced under the Mauryans and Gupta's Harsha, the ruler of the Nanda dynasty, set up the Nalanda University in present day India, and it was the famous for mathematician and uh, Aryabhatta, who was uh, who used the concept of zero in India. Religions. मोस्ट ऑफ द अर्ली पीपल इन दिस लैंड वर हिंदूज बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदू थे एंड टाइम uh, के साथ साथ न्यू रिलीजन्स भी आते गए एंड uh, बुद्धम जो थे दे स्प्रेड टू मैनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट And beyond Jainism spread within India. Jo Buddhism they were subcontinent adjust Jainism they spread into India. It was mainly with the arrival of Muhammad bin Qasim. And jab Muhammad bin Qasim came after the arrival of Muhammad bin Qasim in the eighth century, uh, the Islam began to spread in the subcontinent. I hope that every point is clear to you, students. Okay, thank you and love Hafiz.